एमी अवार्ड से हम बेस्टेक ट्रेस की रेस में राधिका आप्टे सीक्रेट गेम्स को मिल रही हैं बधाइयां। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के नॉमिनेशन की घोषणा गुरुवार को कर दी गई है। इस लिस्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छी खबर है। दरअसल एक ट्रेस राधिका आप्टे को 2019 के एमी अवार्ड्स में उनकी फिल्म लस्ट स्टोरी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेशन मिला है। वहीं नेटफ्लिक्स की फिल्म सीक्रेट गेम्स भी नॉमिनेशन में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है। राधिका आप्टे की किस्मत इन दिनों सातवें आसमान पर है। राधिका को उनकी नेटफ्लिक्स फिल्म लस्ट स्टोरी में बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। दूसरी तरफ सीक्रेट गेम्स बेस्ट ड्रामा की कैटेगरी में नॉमिनेट की गई है। सीक्रेट गेम्स और लस्ट स्टोरी दोनों ही फिल्मों से डायरेक्टर अनुराग कश्यप का खास कनेक्शन है, इसलिए राधिका आप्टे और अनुराग ने इस खबर को अपने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। लस्ट स्टोरी एक एंथोलॉजी फिल्म है। यह चार छोटे फिल्म सेगमेंट से बनी है जिसे अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, दिपकर बैनर्जी और करण जौहर ने डायरेक्ट किया गया है। फिल्म में राधिका का सेगमेंट अनुराग कश्यप द्वारा डायरेक्ट किया गया है। करण जौहर ने भी ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा है कि हमें हमारी एंथोलॉजी लस्ट स्टोरी के एमी में नॉमिनेट होने पर बहुत खुशी और गर्व है। 47 वर्षीय फिल्म मेकर और उसके साथी डायरेक्टर जोया अख्तर, अनुराग कश्यप और दिपकर बैनर्जी ने भी उनके इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए थैंक यू कहा है। उन्होंने रिप्लाई में कमेंट करते हुए लिखा है कि हमारे कैटेंट्स रॉक्स, हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद। लस्ट स्टोरेज में कायरा अडवाणी, विकी कौशल, मनीषा कोइराला, जयदीप अहलावत, संजय कपूर, आकाश थोसर, नेहा धूपिया और भूमि पेडनेकर ने मुख्य भूमिका निभाई है।